अपना अपने सत्य से है, अगर वो हमारी बात को डालेंगे, अभिनंदन जी ने भी बताया ना कि हमने डालते तो हम जो सत्य चेहरे समाज के, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग समाज सेवा में जिंदा जुटे रहते हैं, वो कोई पार्टी की क्या धार्मिक रहती है, वो तो उनको जो अच्छा लगता है कि पार्टी इसका काम कर रही है तो काम कौन अच्छा कर रहा है। आज हम एक दो सीट से लेकर केंद्र में हम प्रदेश सारे प्रदेशों में हम लोग भाग हैं तो अच्छी काम की डब्बर ही है ना, एक बार तो किसी को वो कोई बन सकता है धरती में आकर लेकर हमने तो काम की डब्बर रखी, इसको पब्लिक को बताएगा पब्लिक के बीच में तो हम लोग जाएंगे ना। यदि हम समग्र उसका अध्ययन करें उसमें अहम भूमिका सोशल मीडिया की है और अहम भूमिका यूथ की है। जो युवा वर्ग था जब माननीय मोहम्मद साहब चुनाव लड़ रहे थे तो एक जो अंतराल आया था वोटिंग में और राइट में, तो मैक्सिमम लोग जो कहते थे वो तो चुनाव हार गए, मैक्सिमम लोग चुनाव हार कहते थे वो चुनाव हार गए, और जो लोग समझ रहे थे वो कह रहे थे नहीं कमर साहब चुनाव किसी कीमत पर नहीं आ सकते। उसका कारण जो था कि पार्टी ने फोकस करके यूथों को फोकस किया और यूथ ज्यादा सोशल मीडिया चला रहा था, एंड्रॉयड फोन ज्यादा किस पे थे, बुजुर्गों में नहीं है, जिन जो 60 साल 50 साल 70 साल हो गए उनका एंड्रॉयड फोन तो नहीं है, एंड्रॉयड फोन उन लोगों पे है जिनकी उम्र 20 साल 25 साल 23 साल। इन बैठकों का जो दौर बार बार होता है, मौसम भी अच्छा है, कल चर्चा भी अच्छी हुई और सबका मार्गदर्शन बहुत अच्छा रहा, काफी अच्छी बात है। अच्छी बात मुझे कहना है सौभाग्यशाली है भारतीय जनता पार्टी काम करते हैं, प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जैसा शिवराज सिंह जैसा मुख्यमंत्री मिला है। चर्चा आई कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है ओबीसी मोर्चे को संवैधानिक दर्जा प्राप्त उनके प्रयासों से होने वाला है। अभी लोकसभा में हमारा बहुमत है, लोकसभा में पारित हो गई और निश्चित है कि कांग्रेस में पहले से भी व्यवधान पैदा करेगी, आगे भी व्यवधान करेगी, तो हमें इस बात को जनता तक पहुंचाना है कि वो किसी मोर्चे को जो संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो मैं इस मंच के माध्यम से आप सब लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ कि माननीय मोदी जी के लिए एक बार हम तालियां बजा से किया है, हम इस मंच के माध्यम से उनका आभार व्यक्त करना चाहते हैं। साथियों, अभी जब माननीय स्वामी जी को बोलने खड़ा हुआ तो मुझे बचपन याद आ गया, बचपन में मुझे भी कई उद्बोधन देने के लिए जब खड़ा किया जा रहा था मुझे बहुत चेयर करती थी, किस्मत वाला हूँ कि मुझे हमेशा संगठन मंत्रियों को मार्ग से बहुत दिलाया और बहुत याद दिलाया, जितने भी संगठन मंत्री हो जो भी जरूरत रहे क्योंकि मैंने अपने चरित्र में इस बात को बनाकर रखा है कि कोई भी काम ऐसा कभी नहीं करता जिसमें पार्टी की बदनाम हो जाए या हमारे को कभी ऐसा सुनना पड़ा है किसी का भी आधार कर रहा है, तो उन्होंने मुझे बोलने खड़ा किया और मैं सीखा उन्होंने कहा उनको पिछले वक्त की और मैंने कहा है तो पिछले वक्त की आज उनको कैसे माफ है उद्बोधन। जब हम अपने मन के विचार दूसरों को व्यक्त नहीं कर पाएंगे, जब हम अपनी बात किसी से कह नहीं पाएंगे और तो हमारे बच्चा तो विचार ही नहीं आ पाएंगे और हमारी जो प्रतिभा है वो निकल के नहीं आ पाएगी। इसलिए जब भी इस तरह की कोई छोटी बैठ के हों और बोलने का मौका मिले तो झिझकने की अपेक्षा हमें अपनी बात कहना चाहिए, क्योंकि बात कहते समय डर क्या लगता है, यदि हमने गलत कह दिया तो आपसे भी बात बन जाएंगे। तो हम सब लोग परिवार के निर्णय हैं और तीन प्रोफेशन ऐसे हैं, डॉक्टर फ्री है तो उसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। व्हाट्सएप एक बहुत जरूरी चीज है, इसमें फालतू की चीजों को ना डालें हम, ठीक है जी, हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा दायित्व है ना। अब ऐसे बच्चों आधी चीटी की जो कमर फेसबुक पर डालेंगे और मतलब कहने का ये सोशल मीडिया नाम ही सोशल मीडिया है, इसका उपयोग सोशली होना चाहिए, सोशली बेनिफिट्स के लिए होना चाहिए जिससे लोगों को कुछ ना कुछ उससे फायदा हो। जैसे आजकल एक नया ट्रेंड चल गया है, अपन जो कहते हैं ना कांग्रेस में चमचा रही है थोड़ी थोड़ी अपने अभी आगे हो रही है, जैसे मेरे परम मित्र को उनके अवतरण दिवस की बधाई,
अरे अखंड दिवस की राय दे रहा है, जन्मदिन से वो अखंड दिवस मना दिया, फिर उसको बच्चों को डाल रहे और 50 लोगों को टैग भी कर दिया है ना, तो जो पोस्ट की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही। अरे भाई सोशल मीडिया का प्रयोग सोशली वेलफेयर के लिए हो, परम मित्र तमाम तो जाके बधाई दो ना, लड्डू ले जाकर टिप्पा ले जावे तो जी क्या है। मैंने तो आज तक किसी व्यक्ति को नहीं भैया जिस जैसे उसमें क्या होता है 10 लोगों का बर्थडे होता है मानो, तो एक व्यक्ति का रिश्तेदार की मौका नहीं दे पाता, तो कई बार अपन फेसबुक सारे सारे दिन खोल ही नहीं पाते, तो कई बार नहीं दे पाते, लेकिन जिसका दे जाता तो फिर मैं उसको फोन करना देता हूँ, जिसमें आने भैया उससे बात भी हो जाती है। एक तो इतना बेचारा इतना बुजुर्ग को पता है क्या कहता है, भाई साहब 6 लोगों ने तो टैग किया है मुझे और कम से कम 150 मैसेज आए हैं व्हाट्सएप पे, हमारी लाइफ डिजिटल हो गई है लेकिन सोशल खत्म हो गई है। और क्या बोलता है, तुम इकलौते आदमी हो जिसने मुझे फोन किया है मेरे जन्मदिन पे, दो चार और क्यों करें, एक आदमी 10 लोग बनाओ क्यों बनाए है ना। जैसे कभी बात आती है राष्ट्र सेवा करनी है, राष्ट्र सेवा तो हम और तरीके से कर सकते हैं, कुछ लोग RSS में, कुछ लोग हिंदू जागरण मंच में, विद्या भारती में, अलग अलग तमाम सारे संगठन है, हिंदू समाज संस्था है, या कुछ लोग पेड़ लगाते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी में क्यों करें अपना काम, यहाँ पे क्यों करें, यही पे क्यों करें, ये बात है सोचने को। तो अभी पहले मैं ये बात सोचता था, मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, पहले मैं ये बात सोचता था क्यों करें, फिर जब मैं भाई साहब के संपर्क में आया नरेंद्र जी के में, भाई साहब के संपर्क में आया नरेंद्र जी में, तो फिर मैंने सीखा बहुत सारी चीजें जानने को मिली। जैसे अभी 90% लोग नहीं जानते कि NRC क्या है, एनआरसी क्या है। पूर्वोत्तर में कांग्रेस की गवर्नमेंट ने राजीव गांधी के समय पे जब वहां पर बहुत ज्यादा उत्पात मचा, असम की स्टूडेंट यूनियन ने उत्पात मचाया, बांग्लादेशी घुसपैठियों से परेशान हो गए, तब कांग्रेस की गवर्नमेंट ने NRC बनाया लेकिन पालन नहीं कराया। मोदी सरकार ने एक सेकंड में 40 लाख वोटों को नकार दिया, भाजपा की सरकार ने एक सेकंड में 40 लाख वोटों को नकार दिया कि 40 लाख बांग्लादेशियों को हम बाहर करेंगे, अब वो वोट तो देने वाले नहीं है, हमको मंजूर है लेकिन राष्ट्र के साथ समझौता नहीं करेंगे, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं इसीलिए करेंगे। कांग्रेस की जब जब बात चलती तब तक बड़े जो उससे कहते हैं हमने देखी हमने वो किया। अभी पिछले दिनों मुझे कांग्रेस मिला, अरे तुमने आधार सब जगह आधार लगवा रहे, बनाया तो हमने, तुमने तो बहुत चीजें बनाई है, आधार तुमने बनाया, तुमने लागू करवाया, डिजिटल इंडिया मिशन मोदी सरकार ने लागू कराया, कांग्रेस ने लागू कराया क्या, 1956 में कांग्रेस ने बनाया था भारतीय जीवन बीमा योजना, खाली एक कंपनी जो कि लगभग 2000 तक काम करती रही, ऐसी ऐसी पॉलिसियां थी, मेरे को उसको जानकारी मेरा क्षेत्र में काम किया, ऐसी ऐसी पॉलिसियां थी कि आपकी एक प्रीमियम चूक गई तो पूरा जमा किया हुआ पैसा सब गया, क्यों भैया किसका पैसा, जनता का पैसा, जनता को मिलना चाहिए। तो अटल बिहारी सरकार लेके आई बीमा बीमा विकास प्राधिकरण, अब 20 कंपनियां हैं, प्रतिस्पर्धा का माहौल है, एक कह रहा है 20 रुपए में बीमा करेंगे, दूसरा कह रहा है 18 में देंगे, जिसने किया कांग्रेस ही कहते, अरे बोलने का प्लान तो जो है कांग्रेस गवर्नमेंट ने बनाया था, बनवाया किसने, अटल जी की सरकार ने आज तक, फिर उसके बाद 10 साल रही मोदी तो उनकी मनमोहन सिंह की सरकार, बोलने रोड बने नहीं बने, तो इसलिए हम काम कर रहे हैं। इससे पहले आप ये असम